अब हमारा नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। व्यंजनांत पुल्लिंग है उदा है और चकारांत शब्द आया, उस चकारांत शब्द को बोलते हैं सुवाच। यहाँ पर अब इस प्रकरण में जो भी शब्द आएंगे वे सभी हलंत रहेंगे। अभी तक जितने शब्द आते थे उन सभी शब्दों में स्वर हुआ करता था अंत में। अब यहाँ पर जो भी शब्द हमारा आएगा उसमें व्यंजन अंत में होगा, उन वर्णों को लेकर आएंगे। शब्द साहित्य में कवर्गांत शब्द नहीं है, तो कवर्गांत शब्द नहीं होने के कारण चवर्गांत शब्द में सबसे पहले तो सुवाच शब्द लेकर आए। इस प्रकरण में व्यंजनांत प्रकरण में हम और आप जो भी काम करेंगे वो केवल व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर ही करेंगे, और व्यंजन वाली विभक्तियां होती हैं सी भ्याम भेस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस और सुप। इस प्रकार से केवल इन आठ विभक्तियों के आने पर हम जो भी काम करेंगे परिवर्तन करेंगे इन आठ विभक्तियों के निमित्त से करेंगे। और जो स्वर वाली विभक्तियां आएंगी औ जस अम औ सस ता गे गसी गस ओस आम गी, इन विभक्तियों के होने पर हम कोई नया काम नहीं करेंगे, केवल शब्दों को जोड़ देंगे, विभक्तियों को जोड़ देंगे। तो स्वर वाली विभक्तियां व्यंजन जो शब्द है उस व्यंजन शब्द में जुड़ती चली जाएंगी, रूप बनते चले जाएंगे। और जहां जिन शब्दों में कुछ विशेष बात होगी उनके लिए अलग से सूत्र दर्शाए जाएंगे। प्रायः करके जो हमारी 21 विभक्तियां हैं वो 21 विभक्तियां पंचादो घुट के माध्यम से पांच घुट विभक्तियां कहलाती हैं, और उसके बाद जो शेष विभक्तियां बची 16 उनको अघुट विभक्तियां कहते हैं। उन अघुट विभक्तियों को भी दो रूप में बांटा जाता है, व्यंजनांत और स्वरांत। जो स्वर है आदि में जिनके वो स्वर आदि कहलाती हैं, और जिनके व्यंजन है आदि में वो व्यंजन आदि कहलाती हैं। इस प्रकार से अघुट विभक्तियों में कुछ परिवर्तन जब होगा तो उसकी सिद्धि करेंगे। अच्छा, अब सुवाच शब्द से हम सी विभक्ति लेकर आते हैं, और सी विभक्ति लेकर शब्द हो अर्थात चवर्ग जिनके अंत में हो, चा जिनके अंत में हो, छा जिनके अंत में हो, जा जिनके अंत में हो, झा जिनके अंत में हो, या यहाँ जिनके अंत में हो, तो यकारांत शब्द भी नहीं पाए जाते हैं, तो उनको गा आदेश हो जाएगा। अर्थात का खा गा कवर्ग का तीसरा अक्षर जो गा है उस चवर्ग के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। जब चवर के स्थान पर गा आदेश हो गया तो हमारी स्थिति है सुवाक धन सा, जो सी विभक्ति है। अब यहाँ पर सी विभक्ति का व्यंजनाच्य सूत्र से लोप कर देंगे, और लोप करने के बाद में अब गा के सामने कोई भी वर्ण नहीं है। वर्णा नाम अभावो विरामः, वर्णों का जहाँ अभाव होता है उसको विराम कहते हैं। तो विराम अवस्था होने पर हमारे पास में सूत्र है वा विरामे, अर्थात विराम में रहने वाला जो धुट वर्ण है उस धुट वर्ण के को प्रथम भी होता है और तीसरा भी हो जाता है। अर्थात गा तीसरा अक्षर है तो उसको तीसरा भी लिखा जा सकता है और पहला भी लिखा जा सकता है, और पहला और तीसरा दोनों लिखे जाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारे सामने सुवाक और सुबाक। गा और काका संबंध रखते हुए यहाँ पर पहला शब्द बन जाएगा सुवाक और सुबाग। अब जब औ विभक्तियां आएंगे, ये स्वर वाली विभक्तियां हैं, इन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर
कोई भी नया काम नहीं होता है, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत। जो 25 नंबर का सूत्र है उसको जोड़ दिया जाता है और शब्द हमारे सामने है सुवाच, तो अविभक्ति को जोड़ेंगे तो सुवाचो, जस विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो सुवाचा, हम विभक्ति में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो सुवाचम, फिर सुवाचो, फिर सस विभक्ति में सुवाचा और टा विभक्ति में सुवाचा, ये बन जाएगा। अब भ्याम विभक्ति लाएंगे तो भ्याम विभक्ति व्यंजन है आदि में यहाँ पर, तो चवर्ग दीर्घादि नाम च, ये जो सूत्र हमारे सामने आया उस चवर्ग दीर्घादि नाम च ने जो चा था सुवाच शब्द का चा है उस चा को गा आदेश कर दिया और गा आदेश करने के बाद शब्द बन जाएगा सुवाग भ्याम, विसर्जनीय लग जाएगा। सुवाचे में गे विभक्ति में हमको जोड़ देना है सुवाचे, सुभाग व्याम, सुभाग भ्या, ये बन गया। फिर गसी विभक्ति जोड़ देना है सुवाचा और फिर गी विभक्ति जोड़ देना है सुवाची, ओस विभक्ति को जोड़ देना है सुवाचो, आम विभक्ति को जोड़ देना है सुवाचाम और ओस विभक्ति को तो जोड़ ही दिया तो सुवाचो हो। अब हमारे सामने सप्तमी है उसको लेकर आते हैं सुवाच धन सुप, यहाँ पर 129 नंबर के सूत्र से योनुबंध प्रयोगी से पा अपने आप अनुबंधित हो जाता है सुवाच धन सु, यहाँ पर ये व्यंजन है और व्यंजन के होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च, ये जो सूत्र हमारे सामने है इस सूत्र ने फिर उसको गा कर दिया। अब गा हो जाने के बाद में हमारी स्थिति हो गई है सुवाक धन सु, अब यहाँ पर सु जो है वो अघोष है, वर्ग अघोष वर्णों में सा आता है, तो यहाँ पर 121 नंबर का सूत्र अघोषे प्रथमा, ये सूत्र है उस अघोषे प्रथमा से गा को का कर दिया जाएगा और का करने के बाद अब मेन चीज ध्यान रखिए, अब नामी कर परा प्रत्यय विकारा से अभी तक तो हम नामी के परे होने पर ही दंत सा को मूर्धन्य सा करते थे, अब हमारे सामने ये का आ गया है तो उसमें का भी का है नामी कर, अब थोड़ी देर बाद रा से परे भी सा को सा करेंगे तो यहाँ पर का आ गया, अभी तक नामी आती थी अब का आ गया, तो का से परे जो सा है दंत सा उस दंत सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो सुवाक धन सु मूर्धन्य आदेश वाला सा। अब यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है कासा योगे छा, ये 255 नंबर का सूत्र है, का और छा जब हम एक साथ आ जाते हैं आमने सामने तो दोनों मिलकर के छा हो जाते हैं और छा हो जाने पर शब्द बन जाता है सुवाक्षु, सुवाक्षु प्रयोग प्राय करके इसी शब्द का देखा जाता है सुवाक्षु। अगला एक सूत्र है वो सूत्र वैकल्पिक है, विकल्प से होता है पर उसके प्रयोग देखने में नहीं आते हैं, कवर्ग प्रथमा सस शेषु द्वितीयो हो, ये पहले काम करना पड़ेगा द्वितीयो वा, ये पहले काम करना पड़ेगा सुवाक्षु बाद में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र है जरूर अक्रम से, पहले सुविधा की दृष्टि से प्रयोग में आता है, इस दृष्टि से पहले हमने सुवाक्षु बना लिया है, पर नियमानुसार पहले 256 नंबर का सूत्र का काम होगा और जब 256 नंबर का सूत्र अपना काम नहीं करेगा क्योंकि वो विकल्प से करता है तब आगे की प्रक्रिया में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता आदि लग के सुवाक्षु बनेगा। तो यहाँ पर जो एक 256 नंबर का सूत्र कवर्ग प्रथमा सस शेषु द्वितीयो वाह, कवर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए, सूत्र कहता है कवर्ग का प्रथम अक्षर, तो कवर्ग का प्रथम अक्षर अघोषे प्रथमा से गा को का कर दिया था, तो का के सामने कोई भी तीनों सा में से कोई भी एक सा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमको दंत सा मिल गया, तो दंत सा मिलने पर जो कवर्ग का पहला अक्षर है वो द्वितीयो, दूसरा हो जाता है वा माने विकल्प से,
तो जब दूसरा अक्षर हो जाएगा तो शब्द बनेगा सुबाक सु। अब यहाँ पर सुबाक सु ये पहले बनना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग साहित्य में नहीं मिलता है, इसीलिए इसको यहाँ पर आचार्य महाराज ने दूसरे नंबर पर दर्शाया है। जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो ऊपर की स्थिति जो हमारे सामने है सुबाक्षु जो हमने पहले बना लिया है वो बन जाएगा। अब उसके बाद में कुछ शब्दों में विशेषता आती है, जब कुछ शब्दों में विशेषता आती है तो विशेष शब्दों को अब आपके सामने रख रहे हैं। अब हमारे सामने आ रहा है शब्द प्रत्यंच। अब ये प्रत्यंच शब्द जो हमारे सामने आ रहा है, यद्यपि इस शब्द के अंत में भी चकार है, अब चकार होने पर जो पहले नंबर का सूत्र चवर दीर्घादि नाम च कहा है वह तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन शब्द में कुछ विशेष काम और होने हैं। इन शब्दों की प्रक्रिया को यदि हमने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आगे की प्रक्रिया को समझने में हमें दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे कठिन शब्द अगर हमारे सामने आएंगे तो प्रत्यंच आदि शब्द ही आएंगे, जहां मूल में अंच धातु है और प्रति उपसर्ग है। तो हम शुरू से ही सुविधा की दृष्टि से चलते हैं और इस शब्द को अलग अलग करके अपनी कॉपी पर लिखते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे प्रति धन अंच धन सी, प्रति धन अंच धन सी। अब यहाँ पर जो आपने शब्द लिख लिया है और सी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप कर दिया। सबसे पहले हमारे सामने सूत्र आया था चवर्ग दीर्घादि नाम च। उस चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से हम जो अंच का चा है उसको गा आदेश कर देंगे। अब जब गा आदेश कर दिया तो हमारी स्थिति हो गई प्रति अंग गा और सा। तो हमारा पुराना सूत्र है मनोरनुस्वारो घुटी घुटी। ये सूत्र को बड़े ध्यान रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा संस्कृत साहित्य में। जहां भी बीच में पंचम अक्षर पाया जाता है वो पंचम अक्षर नियम से ना या मा से बनकर बनता है। संस्कृत साहित्य में जहां भी पंचम अक्षर बीच में मिलेगा मध्य में मिलेगा वो मूल में पहले या तो मा होगा अथवा ना होगा। ऐसे ही अंच धातु में जो चवर्ग का पांचवा अक्षर है ये मूल में पहले ना था और ना को फिर उस मनोर अनुस्वारो धुटी घुटी ने उसको पांचवा अक्षर को अनुस्वार कर दिया। और अनुस्वार करने के बाद में पीछे सूत्र आया था बरगे बरगांता। वो बरगे बरगांता क्या करेगा कि जो अनुस्वार किया था वो अनुस्वार सामने गा को देखकर, सामने गा है तो गा को देखकर कवर्ग का पांचवा अक्षर ना कर देगा। अब हमारी स्थिति बन गई है प्रति अंग गा और सा। अब ये हमारी स्थिति बन जाने के बाद अब पुराने सूत्र हमको याद करने हैं जिसका नाम है व्यंजनाच्य। वो व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति थी उसका लोप कर देंगे। फिर संयोगांतस्य लोपः जो इसी प्रसंग में आ चुका है उससे हम जो गा है उस गा का लोप कर देंगे। और गा का लोप करके फिर 44 नंबर का सूत्र प्रति जो ई है उपसर्ग में ई उपसर्ग संबंधी ई है उस ई को यवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्याः से ई के स्थान पर या करके शब्द बन जाएगा हमारा प्रत्यंग। प्रत्यंग ये शब्द जब हमारा बन जाएगा तो पहले पंचादो घुट विभक्तियों में हम काम करेंगे, फिर अघुट स्वर वाली जो विभक्ति आएंगे उसकी अलग प्रक्रिया चालू करेंगे। अब यहाँ पर प्रति धन अंच धन औ विभक्ति लेकर आएंगे तो औ विभक्ति में हमें कुछ नहीं करना है, केवल 44 नंबर का सूत्र इवर्णो या मसवर्णे नाचा परोलोप्या लगा के शब्द बन जाएगा प्रत्यंच। जस विभक्ति के लाने पर उसमें से अस बचेगा और अस को भी जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा प्रत्यंचा। रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे। अम विभक्ति के आने पर भी हम कुछ काम नहीं करेंगे, केवल जोड़ देंगे
तो शब्द बन जाएगा प्रत्यंचम। फिर अव्यवक्ति लाएंगे तो अव्यवक्ति को भी लाकर जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा प्रत्यंचौ। अब हम सस विभक्ति लेकर आ रहे हैं और सस विभक्ति यद्यपि हमारी स्वर वाली विभक्ति है, लेकिन स्वर वाली विभक्ति होने के साथ साथ वो अघुट विभक्ति है, घुट नहीं है। तो अघुट वाली विभक्ति होने के कारण यहाँ पर नई प्रक्रिया चालू हो जाती है और नई प्रक्रिया चालू होने पर हमारे सामने स्थिति है प्रति धन अंच धन सस। अब ये स्थिति हमारी है प्रति धन अंच धन सस। अभी हमारे पास में अघुट स्वर वाली विभक्ति आई है। अब ये यहाँ पर अंच में जो यहाँ है, अंच में रहने वाला जो पंचम अक्षर है उसका एक नया नामकरण यहाँ पर किया जा रहा है। उसका नया नामकरण ये है कि उसको अनुसंग नाम से जाना जाएगा, अनुसंग नाम से जाना जाएगा। तो अनुसंग संज्ञा उसकी कर दी हमने व्यंजनानुसंगा। तो व्यंजनानुसंगा से इस अंच के में रहने वाले जो पंचम अक्षर है उसकी अनुसंग संज्ञा कर दी। अब अनुसंज्ञा करने के बाद में अगला सूत्र आता है व्यंजने चेसा अनुसंगाश्चा कृञ्चेत। माने कृञ्च शब्द को छोड़कर, कृञ्च शब्द में कुछ नहीं करना, उस शब्द को छोड़कर जो अनुसंग है उस अनुसंग का हमको लोप करना है। अनुसंगश्चा कृञ्चेत अर्थात जो अंच धातु में यहाँ था, जो जिसकी अनुसंग संज्ञा की गई थी व्यंजनानुसंगा सूत्र से, उस अनुसंग का 261 नंबर के सूत्र से लोप हो जाएगा। ये 261 नंबर का सूत्र कहता है अघुट स्वर अथवा अघुट व्यंजन के होने पर उस अनुसंग का लोप होता है। और जब अनुसंग का लोप हो गया तो हमारे सामने स्थिति है प्रति अच धन सस, प्रति अच धन सस। अब ये स्थिति हमारे पास में होने पर एक अगला सूत्र आता है अंचे रलोप पूर्वस्य च दीर्घ। अंचे रलोप पूर्वस्य च दीर्घ, ये सूत्र को देखिए कहता अंचे है, अंच धातु के आ का लोप होता है, अंच धातु के आ का लोप होता है और पूर्वस्य च दीर्घ, और पूर्व का जो वर्ण है उस वर्ण को दीर्घ हो जाता है। चा माने क्या, कहते वही अघुट स्वर और व्यंजन के होने पर, अघुट स्वर के होने पर। तो अघुट स्वर सामने है और अघुट स्वर के होने पर अनुसंग का लोप हो गया, और अनुसंग के लोप होने पर आ में अचक में जो आ है, धातु का जो आ है उस आ का भी लोप कर दिया, और जो प्रति उपसर्ग का ई है उसको दीर्घ कर दिया। अब ध्यान रखना धातु थी अंश, अंश में से बचाए अकेला चा, धातु थी शब्द था अंश, अंश में से बचाए केवल चा, और इसके निमित्त से जो उपसर्ग में रहने वाली ई थी ह्रस्व उसको दीर्घ हो गया। अब सस में से जो आ अस्था वो आ चा में जुड़ जाएगा, और जो प्रति में से ई निकाल के बाहर रखी थी वो ता में वापस जुड़ जाएगी, और प्रतीच धन अस अर्थात सस। तो यहाँ पर रेप सोर विसर्जन लग के शब्द बन जाएगा प्रतीचा। ऐसे ही टा विभक्ति में जानना प्रतीचा, ने विभक्ति में जानना प्रतीचे, गसी विभक्ति में जानना प्रतीचा, गस विभक्ति में जानना प्रतीचा, ओस विभक्ति में जानना प्रतीचो, आम विभक्ति में जानना प्रतीचाम, गी विभक्ति में जानना प्रतीची, और ओस विभक्ति में जानना प्रतीचो। अब यहाँ पर व्यंजन वाली विभक्ति को हम ले आए हैं, तो व्यंजन वाली विभक्ति कौन सी आई, कहते भ्याम। तो भ्याम विभक्ति आने पर जो हमारे सामने सबसे पहला सूत्र इस व्यंजन अधिकार में आया था चवर्ग दीर्घादि नाम च, उस चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश कर देंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रही है प्रक्रिया। जब हमने उसको चा को गा आदेश कर दिया तो जो बैठा हुआ था यहाँ
और उस यहाँ का क्या करना है, तो आप उसकी पहले अनुसंग संज्ञा करेंगे, और जब अनुसंग संज्ञा करने के बाद अनुसंगस चाकुंचेत इस सूत्र से उस अनुसंग का लोप कर देंगे, और अनुसंग का लोप हो जाएगा तो हमारे सामने स्थिति बनेगी प्रति अग धन भ्याम। यहाँ पर 44 नंबर का सूत्र इवर्णो या मस्तवर्णे नाचा परो लोप्या ये लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा प्रत्यक भ्याम प्रत्यक भी प्रत्यक भ्याम प्रत्यक भ्या प्रत्यक भ्याम प्रत्यक भ्या। अब सुविभक्ति आएगी तो सुविभक्ति आ जाने पर वही पुरानी स्थिति जो हमने सुवाच शब्द के साथ में की थी वही स्थिति इसके साथ में करेंगे तो शब्द हमारे सामने है प्रति धन अंच धन सुप पा चला गया बचा प्रति धन अंच धन सु। अपने अपनी कॉपी पर लिखते जाइए चेक करते जाइए और यहाँ पर सबसे पहला सूत्र लगेगा चवर्ग दीर्घादि नाम च, और चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र लगने पर चाके स्थान पर गादित हो जाएगा। अब चाके स्थान पर गादित हो गया बीच में जो पंचम अक्षर बचा है उस पंचम अक्षर की अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंग संज्ञा करने के बाद अनुसंगस चाकृंचेत इस सूत्र से उस अनुसंग संज्ञा का लोप कर देंगे और लोप करने पर हमारे सामने स्थिति है प्रति अग धन सा सु शुभ विभक्ति है तो यहाँ पर पुनः वही अगो से प्रथमा 121 नंबर का सूत्र लगाएंगे और गा के स्थान पर का आदेश कर देंगे और का आदेश हो जाने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी इस सूत्र के माध्यम से सुख के सा को दंत सा को मूर्धन्य आदेश करके और इवर्णो या मस्तवर्णे नाचा परो लोप्या सूत्र लगा के शब्द बन जाएगा प्रत्यक्षु। यहाँ पर भी ध्यान रखना यहाँ पर भी वही प्रक्रिया चालू करना है जो पहले अक्षर में की थी, पहले अक्षर को दूसरा हो जाता है और जब दूसरा बना देंगे का को खा बना देंगे तो बनेगा प्रत्यक्षु, लेकिन इसका प्रयोग देखने में कम आता है, लेकिन कभी मिल जाए ऐसा प्रयोग तो आप समझ लेना कि ये सप्तमी का बहुवचन ही है और प्रथम अक्षर के स्थान पर द्वितीय शब्द द्वितीय वर्ण हो गया है, लेकिन वे साहित्य में नहीं मिलता है इसलिए पहले मूल शब्द को आपके सामने सिखा दिया प्रत्यक्षु और उसके बाद में बनेगा शब्द दूसरा प्रत्यक्षु। इस प्रकार से हमने सुवाच शब्द और प्रत्यंच शब्द की सिद्धि को अच्छे से समझ लिया। प्रत्यंच शब्द की सिद्धि को समझने के लिए पुनः एक बार स्मरण कर लें कि इसमें रहने वाला जो ना है या है उस ना की अनुसंग संज्ञा होती है और उस अनुसंग संज्ञा का लोप होता है अगुट स्वर वाली अथवा व्यंजन वाली विभक्ति के आने पर, दोनों स्थानों पर अनुसंग संज्ञक का लोप हो जाता है, परंतु अगुट स्वर वाली विभक्ति आती है तो उसके होने पर एक नया काम और हो जाता है कि अंच जो शब्द है उस अंच के अनुसंग के लोप होने के बाद आ का भी लोप हो जाता है और आ का लोप होने पर उसके पूर्व में रहने वाला जो वर्ण है उस वर्ण को दीर्घ कर दिया जाता है। इतनी विशेषता स्वर अगुट वाली विभक्तियों के आने पर होती है। अब हमने प्रत्यंच शब्द के शब्द आपको बता दिए, इसी प्रकार से प्रा उपसर्ग पूर्वक अंच धातु के शब्द की प्रक्रिया को आपको समझाना है। अरुण भाई जी जय जिनेन्द्र।